Hello learners, let us see future perfect tense. This is definition of future perfect. It is a verb form or construction used to describe an event that is expected or planned to happen before a time of reference in the future. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा कोई भी वो काम वो प्लानिंग जो पहले से एक तैयार है उसको हम जो ये होना ही है ये हमारा काम हो जाएगा। हमारा प्लानिंग पहले से है किसी काम को करने का, इवेंट को होने का तैयारी पहले से ही है, लेकिन वो अभी होगी, आगे होने वाली है, ठीक है, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग मानते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर जैसे होते हैं तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो फिर हमें क्या लेना होगा, पहले पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद में हमें विल स्लैश शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा पहले ही बता चुकी हूँ, परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अब आप नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर किस तरह से करना है। इंट्रोगेटिव दो होते हैं तो हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट पहले आपको बता रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आपको क्या करना है कि विल और शैल को आप पहले ले लेंगे। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। अगर हमारा सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेकेंड वर्ब होता है तो हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेकेंड। इस कंडीशन में आपको WH वर्ड लेना है, जो भी आपका वर्ड आ रहा है तो WH वर्ड लिया, देन विल और शैल का यूज कर दीजिए, फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट लीजिए, फिर आपको हैव लेना है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट का, आपका पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेकेंड हो जाता है, ठीक है। अब हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं। अब पहले हम पॉजिटिव का देते हैं तो आपका हो जाता है कैन विल हैव रीच्ड देयर till अगर हम अब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसी सेंटेंस को हम द ट्रेन विल नॉट
हैव रेज्ड देयर टिल 11:30. अगर हमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाना है तो आपका हो जाएगा विल ट्रेन हैव रीच देयर टिल 11:30. और इंट्रोगेटिव सेकंड बनाना है तो मान लीजिए आप इंट्रोगेटिव सेकंड बनाने के लिए आप वाई का यूज करते हैं, तो आपने पहले आपको WH वर्ड देना है. वाई विल ट्रेन हैव रीच्ड देयर 11:30. ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों तरह के हो गए. अब यहाँ पर आप देख लीजिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी. स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, तो आपका यहाँ पर ट्रेन सब्जेक्ट हो गया. विल या शैल का यूज करना है तो वही आपको फर्स्ट पर्सन के साथ में शेयर का यूज कर दीजिए और हैव लगाएंगे. लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है तो विल का यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने विल का यूज कर दिया. हैव आपको लगाना है इसके परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग, तो हैव यहाँ आपका भी लग गया. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो रीज्ड आपकी थर्ड फॉर्म हो गई. और ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये आपका देयर टिल 11:30 आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेगेटिव में भी सेम है. सब्जेक्ट विल नॉट हैव रीच्ड देयर टिल 11:30. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट से पहले विल और शेयर का यूज करना होता है, तो यहाँ विल हो गया, सब ट्रेन हो गया, हैव हो गया, रीच्ड देयर टिल 11:30. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेकंड, तो इंट्रोगेटिव सेकंड में WH वर्ड पहले आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका विल और शैल हो गया. सब्जेक्ट हैव रीच्ड देयर टिल 11:30 आपका ऑब्जेक्ट हो गया. तो ये सेंटेंस या आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस तरह सेंटेंस बन जाते हैं. मेन बात है आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल है और शैल है आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. इससे पहले जो आपने प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट देखा था उसमें आपको ध्यान होगा तो हैव और हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ही आई थी. पास्ट टेंस था तो उसमें हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म थी. ये फ्यूचर परफेक्ट है तो यहाँ विल है और शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है. मतलब ये है कि आपका परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होने वाला है और बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है. केवल आपको चेंजेस यहाँ कहाँ मिला होगा, इसमें आपको ये चीजें मैं हर आपको सिखाने के बाद में बताने के स्ट्रक्चर के बाद में आपको सर्कल करके इसलिए कह रही हूँ कि आप इसे अटेंटिवली थोड़ा सा गौर कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए और इसको मन में बैठा लीजिए कि हमें परफेक्ट टेंस में कहाँ पर क्या चीज़ यूज करनी होती है. केवल यहाँ पर चेंज है, बाकी सब आपका सब्जेक्ट उसमें भी था, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें भी थी, ऑब्जेक्ट उसमें भी था. अंतर कहाँ आया है, वहाँ हैव और हैज के साथ में थर्ड फॉर्म थी, यहाँ और पास्ट में हैड के साथ में और फ्यूचर में विल है वो शैल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म है. बस इतना अंतर है, बाकी सेम है सेंटेंस. तो ये आपको समझ में आ गए होंगे. और फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कुछ पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं. इन केस कोई ऐसी चीज अभी तक गई हो जो आपको अभी इतना इजी पैटर्न से टोटल हिंदी में एक्सप्लेन करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप
एनी कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अब इसका जो लास्ट एक पार्ट रह गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी कंप्लीट करा देती हूँ। उसके बाद आप अपने आप से सेल्फ असेसमेंट लीजिए कि मेरे को सारे ये टेंस देखने के बाद में ये आए हैं या नहीं आए हैं, नहीं आए हैं तो क्या चीज़ है जो आपको दिक्कत दे रही है, जो समझने में अब भी कोई प्रॉब्लम है, और उसको आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, जिससे मैं आपकी वो परेशानी, वो जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको मैं रिमूव करने में ट्राई करने की कोशिश करूँगी और रिमूव करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू।